चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अंदर सेंट्रल फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं कच्छ के तटीय इलाकों के अंदर जो निचले इलाके हैं जहां पर साइक्लोन टकराने की संभावना है वहां के गांव वालों के लिए एक उम्मीद की किरण बने हैं। हमारे साथ इस वक्त बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से आपने यहाँ पर जो भी लोगों को आसपास के गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अपने बैरक में जगह दी। सर जैसा कि ये चक्रवर्ती तूफान की वार्निंग काफ़ी दिनों से चल रही थी तो हमने अपने यहाँ की पूरी तैयारी कर ली थी, साथ में मेरे जो नज़दीक में गांव है मैंने गांव के जो प्रधान है सरपंच हैं और गांव में भी जितने लोग हैं सभी को बताया था कि तूफान आ रहा है तो मेरे कैंप के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुले हैं। कल से जिस तरह से तेज़ हवाएँ चली हैं तो कल से ही गाँव वालों का आना लगा कि सर हमें मदद की रिक्वायरमेंट है तो वो लोग आए और आज सुबह बारिश के दौरान ही मेरे यहाँ पे 75 से 80 लोग गांव के यहां पे शिफ्ट हुए हैं जिसमें लेडीज़ भी हैं, छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी और महिलाएं भी हैं, उनको सबको शिफ्ट किया, उनके खाने पीने का मैंने सारी सुविधाएं अंदर की हैं और भरोसा दिया है कि जब तक मैं हूं पूरा यहां पे उनका वो किया जाएगा, सुविधा दी जाएगी। कितने लोगों को पनाह दी गई है आसपास की? अप्रोक्सीमेटली 80 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं अभी तक। क्या कहना चाहेंगे, देश की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं उसके साथ साथ आसपास के लोगों की इस आपातकालीन स्थिति में भी? देखिए जैसा कि पता है फौजी है, देश की सुरक्षा तो हमारा पहला टास्क है ही है, लेकिन इस आपात स्थिति में हम आम जवान के साथ आम लोगों के साथ भी पूरी तरह से उसके तैयार खड़े और उनकी मदद के लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। तो बीएसएफ के दरवाजे हैं वो हमेशा ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में खुले हैं। हमने पिछले कई दशकों में भी देखा है कि कैसी भी आपातकालीन स्थिति हो लेकिन बीएसएफ हमेशा आसपास के बॉर्डर के ग्रामीणों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आते हैं। शुरुआत 6 तारीख से ऐलान हुआ है कि भाई साइक्लोन आने वाला है, उसकी वजह से हमको बीएसएफ वाला सब आके हमको घर घर जागरूक किया कि भाई यह तूफान आ रहा है तो आपके लिए क्या है। तो मैं बोला भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पूरी व्यवस्था आपके लिए खुली है तो बाल बच्चे जो है वो सब लेके उधर आ जाओ, मैं आपको जो है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, पूरी व्यवस्था पाएंगे तो इधर आ जाओ। तो मेरे को आज पूरी व्यवस्था किया है, आज मेरे साथ पूरा वो तैनात है, आज मेरे लिए ठीक है पूरा, मेरा बाल बच्चा लेके इधर रूम भी मिला है, खाने पीने की भी वो व्यवस्था कर रहा है, सब मामले में अच्छा है। अब ऊपर साइकिल वाले की मेरे को चिंता भी, वो चिंता आज मेरी वो दूर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब का खूब खूब आभार के हमारे लिए इतना चिंता किया, ये इतने मेरे वो आगे बढ़ के पगला बढ़ रहा है वो उसकी बहुत अच्छी बड़ी चीज़ है, हमको लिए बहुत अच्छा किया है, हमको पूरा आशीर्वाद दिया है। तो मेरा बच्चा, मेरे जो ये परिवार है सब उसके लिए सलामती जगह पे लेके वो संभाल रहे हैं, उसकी चिंता में भी बहुत जो है लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है।